Hello, and a very lovely, lovely good evening once again from here in Delhi, and hope that each one of you, as always, are absolutely fine, happy, and of course, in fine spirits. So, on such note, अब हम स्टार्ट करते हैं एक ऐसा चैप्टर जिसको तुम लोग सिंगल एंट्री के नाम से जानते हो. इसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं. इस चैप्टर के कई नाम हैं. सिंगल एंट्री सिस्टम, तुमने इससे पहले के लेवल पे इस चैप्टर को पढ़ा भी हुआ है. इसको हम लोग अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं. अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, करेक्ट. और इसको हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ सिंगल ट्रेडर भी कहते हैं. फाइनल अकाउंट्स ऑफ सिंगल ट्रेडर भी कहते हैं. क्या होता है सिंगल एंट्री सिस्टम? इससे पहले के लेवल पे आपने पढ़ा तो हुआ है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे पूछूंगा नहीं. सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिकली एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें अकाउंट्स की कोई बहुत ज्यादा हमें डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है. नंबर वन, ये बेसिकली ऐसे ट्रेडर इस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं जिनका स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है बहुत छोटे पैमाने पर होता है. जो बहुत छोटे पैमाने पर ऑपरेट करते हैं वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट की सर्विसेज या अकाउंटेंट की सर्विसेज हायर नहीं कर सकते, तो सोचते हम खुद ही अकाउंट बना लें. तो इसलिए मैंने कहा इसमें कोई बहुत प्रोफेशनल नॉलेज या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती इस सिस्टम में. क्यों? क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम हार्डली कुछ कैश बुक, कुछ कैश ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, और हम कुछ पर्सनल अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं, पर्सनल अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं. मैंने कहा ये ऐसा सिस्टम है जिसमें ट्रेडर बेसिकली अकाउंटिंग खुद ही करेगा, और जनरली वो कैश बुक रिकॉर्ड, एक तो कैश बुक को मेंटेन करता है और पर्सनल अकाउंट को जिससे उसने लेना है या पैसा जिसको देना है उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा. यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम का एक बेसिकली फ्लॉ भी है, और इसको इनकम्प्लीट सिस्टम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस सिस्टम में तुमने देखा कि हम नॉमिनल अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं. नॉमिनल अकाउंट्स कह लो या फुल फ्लेज रियल अकाउंट्स कह लो, उनको मेंटेन नहीं करा जाता है. तो इसलिए अब तुमसे कोई पूछे सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें सिंगल एंट्री पास करी जाती है. तो इस तरह की डेफिनेशन ना देना. सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें कि हार्डली हम कैश बुक और कुछ बस कैश बुक मेंटेन करते हैं और कुछ पर्सनल अकाउंट्स का जो है रिकॉर्ड रखा जाता है. इनडायरेक्टली इसका मतलब ये है कि हम नॉमिनल अकाउंट या फुल फ्लेज्ड रियल अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करते हैं. जाहिर है अगर हम इस सिस्टम के बेस पर या इस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग की जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है वो क्वेश्चनेबल है. अर्थमेटिकल जो अकाउंट्स की एक्यूरेसी है वो अपने आप में क्वेश्चनेबल है, यानी कि हम उस पर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते. इसमें मिस अप्रोप्रिएशन के चांसेस और फ्रॉड के चांसेस भी ज्यादा होते हैं. ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ये कहा जा सकता है. खैर, तो सिंगल एंट्री सिस्टम मैंने तुम्हें बताया ऐसे ट्रेडर अडॉप्ट करते हैं जिनका स्केल ऑफ ऑपरेशन जो होता है बहुत छोटा होता है. यानी कि ये ऐसे ट्रेडर अडॉप्ट करते हैं जिनका स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है बहुत छोटे लेवल पर होता है, स्मॉल होता है. अब सिंगल एंट्री सिस्टम में जैसा कि मैंने कहा कि हम एक तो कैश बुक जो हमारी कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए, और उसके अलावा जब हम कैश बुक कहते हैं तो इनडायरेक्टली इसका मतलब है मैं कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट मेंटेन करता हूं और कुछ पर्सनल अकाउंट्स को मेंटेन करता हूं. इनडायरेक्टली जैसा कि अभी मैंने बताया कि हम नॉमिनल या रियल अकाउंट फुल फ्लेज इनको हम मेंटेन नहीं करते हैं. इस सिस्टम से क्या होता है कि अगर मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना भी चाहूं तो मैं नहीं बना सकता. अगर मैंने सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग करी हुई और मुझे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है तो मैं इस सिस्टम से नहीं बना सकता. इसीलिए ये इसका एक मेन ड्रॉबैक माना जाता है. तो सिंगल एंट्री सिस्टम में या अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में जो ट्रेडर है वो अपना प्रॉफिट कैसे पता करता है? प्रॉफिट को पता करने के दो मेथड्स होते हैं, हम बाद में देखेंगे. एक तो हम कहते हैं नेट वर्थ मेथड, जो तुमने क्लास 11th में पढ़ा था, नेट वर्थ मेथड. और एक होता है कन्वर्जन मेथड. इस लेवल पे तुम्हारे कन्वर्जन मेथड से ही क्वेश्चन आते हैं, कन्वर्जन मेथड. पर मैं ये नहीं कह रहा कि नेटवर्थ से नहीं आ सकता है, छोटा क्वेश्चन नेटवर्थ से आ सकता है, लेकिन फुल फ्लैश लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो कन्वर्जन मेथड से ही पॉसिबल हो सकता है. तो कन्वर्जन मेथड तुम्हें ज्यादा अच्छी तरह इस चैप्टर में आना चाहिए. अब
दो मेथड होते हैं प्रॉफिट निकालने के। नेटवर्थ मेथड बहुत सिंपल सा मेथड होता है, हालांकि पहले हम कन्वर्जन मेथड करेंगे उसके बाद हम नेटवर्थ मेथड करेंगे, लेकिन जस्ट मैं ऐसे ही समझा रहा हूं कि नेटवर्थ मेथड में सिंगल ट्रेडर क्या करता है अपना प्रॉफिट निकालने के लिए। पहले तो मान लेते हैं ये अकाउंटिंग ईयर है, अकाउंटिंग ईयर की शुरुआत मान लेते हैं 1/4/2023 से हुई और 31/3/2024 को हुई, तो पहले तो वो ये देखेगा कि शुरुआत में उसकी कैपिटल कितनी थी, फिर वो देखेगा उसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी, करेक्ट। फिर उसको ये देखना पड़ता है कि इस साल उसने बिजनेस से कितना पैसा विड्रॉ करा, यानी कि एक तो उसके पास ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए, और उसको ये मालूम होना चाहिए इस साल उसने बिजनेस से कितने पैसे विड्रॉ करे, और उसको ये भी मालूम होना चाहिए कि क्या उसने बिजनेस में कुछ और कैपिटल भी लगाई, फर्दर कैपिटल। तो ये चार चीजें उसको पता करनी होती हैं, ओपनिंग कैपिटल नेटवर्थ मेथड में, क्लोजिंग कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगर उसने कुछ करी है, और फर्दर कैपिटल अगर उसने कुछ इंट्रोड्यूस करी है, तो उसके बाद फिर वो अपना प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकता है। लेकिन ग्रॉस और नेट प्रॉफिट अलग अलग फाइंड नहीं करेगा, सिर्फ प्रॉफिट फाइंड करेगा, इनडायरेक्टली वो नेट प्रॉफिट ही होगा। तो क्लोजिंग कैपिटल जो भी होगी उस क्लोजिंग कैपिटल को वो लिखेगा, क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स को ऐड करेगा, ड्रॉइंग्स को ऐड कर देगा, क्योंकि अगर उसने ड्रॉइंग नहीं करी होती तो उसकी क्लोजिंग कैपिटल इतनी होती, इनडायरेक्टली इसका ये मतलब हुआ। फिर इसमें से हम ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे, ओपनिंग कैपिटल और उसने जो फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है ये हम माइनस करेंगे, यानी कि सिंपल वर्ड्स में एक तरीके से ये शुरुआती कैपिटल हो गई, ये क्लोजिंग कैपिटल हो गई, कैपिटल का जो डिफरेंस होगा वो नेट प्रॉफिट माना जाता है। तो कन्वर्जन मेथड में कुछ नहीं होता, हमें सिर्फ इस तरीके से अपना प्रॉफिट कंप्यूट करना पड़ता है। हाँ, कई बार ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, मैंने कहा ये जब मैं नेटवर्थ मेथड कराऊंगा डीपली तो तब मैं और ज्यादा डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन वैसे इसमें कुछ है नहीं बताने लायक। तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक ऐसे स्टेटमेंट को कहते हैं जिसमें एसेट और लायबिलिटी नजर आती है, बैलेंस शीट की तरह होती है। और इसी तरह ओपनिंग कैपिटल अगर क्वेश्चन में नहीं होगी तो हम ओपनिंग डेट को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना करके ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं, तो मैं ड्रॉइंग्स और फ्रेश कैपिटल अगर होंगी क्वेश्चन में तो दी होंगी। तो इस मेथड से प्रॉफिट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं होता नेटवर्थ मेथड से, तुमने देख लिया, हालांकि इसको हम बाद में लेंगे, सबसे पहले हम कन्वर्जन मेथड करेंगे। अब कन्वर्जन मेथड से प्रॉफिट निकालने का मतलब क्या है, कन्वर्जन मेथड ये मेथड है, ये मेन मेथड है और इसी मेथड से तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं। कन्वर्जन मेथड से प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो इसका नाम कन्वर्जन क्यों है, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम पर मैंने अकाउंट्स मेंटेन करे हुए हैं जिसको हम अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। अब अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्यों कहते हैं वो भी अब तुम्हें पता लगेगा, क्योंकि हमने अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन करे हैं। और कुछ लम्हा पहले मैंने अभी जब चैप्टर स्टार्ट करा तो मैंने आपको ये बताया कि सिंगल एंट्री सिस्टम में अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना चाहूं तो मैं लॉजिकली नहीं बना सकता, बिकॉज मैं सिंगल एंट्री सिस्टम का जो डाटा मेरे पास है उससे मैं ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना सकता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं बना सकता। तो इसलिए जो सिंगल एंट्री सिस्टम पे मैंने अकाउंट मेंटेन करे हुए हैं जो कि बेसिकली इनकम्प्लीट अकाउंट माने जाते हैं, तो उनको मुझे पहले कंप्लीट करना पड़ता है, यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम पे जो मैंने अकाउंट बनाए हुए हैं वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमने कुछ कैश ट्रांजैक्शन का कुछ पर्सनल रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं और कुछ एक और नॉमिनल अकाउंट का तो हमने ट्रैक ही नहीं रखा होता, और हमने रियल अकाउंट्स कोई इक्का दुक्का रखे होते हैं, कोई फुल फ्लेड सिस्टम पे रियल अकाउंट नहीं रखे होते, यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट है, इसीलिए है क्योंकि हमने सारे अकाउंट्स नहीं रखे हुए हैं। मैंने कहा कैशबुक और पर्सनल अकाउंट तो हमने मेंटेन करी हुई है, लेकिन नॉमिनल और रियल अकाउंट्स मेंटेन नहीं करें। तो पहले मुझे सिंगल एंट्री सिस्टम को जो कि इनकम्प्लीट है इसको कंप्लीट करना पड़ता है। कंप्लीट करने का इनडायरेक्टली मतलब यह है कि सिंगल एंट्री सिस्टम पे जो अकाउंट मेंटेन करे हुए हैं उनको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए इस मेथड का नाम कन्वर्जन मेथड है। उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा फुल फ्लेड्स डबल एंट्री सिस्टम में, कंप्लीट का मतलब डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा, डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
और डबल एंट्री सिस्टम में जब हमारे पास डेटा कंप्लीट हो जाएगा तो तब हम फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना सकते हैं। समझ में आ गया या नहीं आ गया? तो कन्वर्जन मेथड में, कन्वर्जन मेथड का इनडायरेक्टली मतलब ये हो गया, इन ऑर्डर टू कंप्यूट द प्रॉफिट थ्रू कन्वर्जन मेथड द सिंगल ट्रेडर विल हैव टू कन्वर्ट हिज डेटा करेक्ट इन टू डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। तो पहले हम उसका जो डेटा हमारे पास है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको डबल एंट्री सिस्टम पर हम कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या स्टेप्स होते हैं जनरली, हालांकि ये फुल फ्लेज या हार्ड एंड फास्ट स्टेप नहीं है, वो क्वेश्चन को पढ़ करके हमें पता करना पड़ेगा कि क्या क्या स्टेप की हमें जरूरत है। लेकिन कुछ कॉमन स्टेप ये हैं कि मुझे एक तो कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, हो सकता है मुझे बैंक अकाउंट भी बनाना पड़े, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट सिंपल वर्ड्स में कैश बुक मुझे बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी, सब आंसर्स तुम्हें अपने आप मिलेंगे। फिर मुझे एक डेटर्स अकाउंट तो बनाना ही बनाना है। तीसरा, मुझे क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना ही बनाना है। अगर इस सिंगल ट्रेडर की कुछ बिल्स की इंफॉर्मेशन है तो हो सकता है मुझे बिल्स रिसेबल और बिल्स पेबल अकाउंट भी बनाना पड़े। इतने सारे अकाउंट, हाँ इतने अकाउंट तुम्हें बनाने पड़ेंगे क्योंकि उसके डाटा को तुमने अब डबल एंट्री सिस्टम पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये सारे अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, मैंने कहा इसके आंसर्स भी तुम्हें मिलेंगे। जनरली कैश और बैंक अकाउंट बनाने के पीछे रीजन होता है कि हम ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश फाइंड करना चाहते हैं, करेक्ट। जनरली हो सकता है कभी कैश अकाउंट से कुछ और बैलेंसिंग फिगर निकल आए, लेकिन जनरली ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। जैसे हम बाद में रेयर केस में देखेंगे, कभी कभी ड्राइंग्स की फिगर भी कैश बैंक अकाउंट से निकल आती है, यानी कि कुछ मिसिंग फिगर्स होती हैं जो जिनके लिए हमें ये चीजें करनी होती हैं। जैसे कि डेटर्स अकाउंट बनाने के पीछे मेन रीजन ये होता है कि या तो हमें क्रेडिट सेल्स की फिगर मिल जाए, या हमें डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस पता लग जाए, या हमें डेटर से कैश कितना मिला है ये पता लग जाए, इसलिए हम डेटर्स अकाउंट बनाते हैं। मैंने कहा ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या नहीं दिया। अगर क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स नहीं दी है तो डेटर्स अकाउंट से वो मिल सकती है, या क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स भी दी हुई है लेकिन डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है तो डेटर्स अकाउंट से मिल जाएगा, या क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स भी दी है और डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स हमें डेटर से मिल सकता है। इसी तरह क्रेडिटर से तुम्हें क्रेडिट परचेजेस की फिगर हासिल हो सकती है, या क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस तुम्हें मिल सकता है, या हमने क्रेडिटर्स को कितना कैश पे करा ये फिगर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल बुक से हमें ये पता लग सकता है कि हमने इस साल कितने बिल एक्सेप्ट करे, या हमने कितने बिल ऑनर करे, या बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेएबल का क्लोजिंग बैलेंस वगैरह कितना है। यानी कि इन अकाउंट को बनाने के पीछे पर्पस ये है कि जो मिसिंग फिगर्स हैं, खासतौर से क्रेडिट सेल की, क्रेडिट परचेजेस की, कैश के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस की, वो फिगर्स हमें हासिल हो जाए। एक बार जब हम ये सारे अकाउंट्स बना लेंगे और मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट हो जाएंगी तो इसका मतलब उसका डेटा जो है डबल एंट्री सिस्टम पे कन्वर्ट हो गया है। अब उसके बाद फिर तुम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बहुत ही आसानी से बना सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये सब करना मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो अभी मैंने बोला, जैसे कि मेरी आदत है क्विक फायर डिस्कशन करने के बाद हम लिखते हैं, तो अब हमने थोड़ा लिखा और फिर मैं आगे इस चैप्टर को मूव करूंगा। ये मैंने एक ओवरव्यू तुम्हें दिया, तो लिखें, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टॉपिक से एक क्वेश्चन डेफिनेटली। तो अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स तुम्हारे कोर्स में लिखा गया है, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अब तुम्हारे को समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि उसके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं और उसके लिए तुम्हें अकाउंटिंग करनी है। अकाउंटिंग कैसे करनी है, उसको तुम्हें कंप्लीट करना है, कंप्लीट करने का मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको डबल एंट्री सिस्टम में, और तब आप क्या बोलते हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हो। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, मैंने ये भी कहा कि इस चैप्टर को सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम के अलावा फिर मैंने अभी यह भी बताया था कि इसको हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ सिंगल ट्रेडर भी कहते हैं, यानी कि इस चैप्टर के कई नाम है, इसको फाइनल अकाउंट्स ऑफ सिंगल ट्रेडर भी कहा जाता है। सिंगल ट्रेडर का मतलब ही हो गया सोल प्रोप्राइटर, सिंगल ट्रेडर। तो ये चीजें तुम्हें मालूम होनी चाहिए।
तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा हल्की सी थ्योरी मैंने लिखी, फिर मैं आगे मूव करता हूँ चैप्टर को। तो थ्योरी बेसिकली लिखने का मत पर्पस ये होता है कि बाप के तुम कभी रेफर करो तो तुम्हें उतनी प्रॉब्लम ना आए कि हम इस चैप्टर का थीम बेसिकली क्या है। तो लिखें सबसे पहले सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम इज एन इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम, इज एन इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम, इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम। पहले तो ये इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है। क्यों है इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम? दिस इज सो बिकॉज, ऐसा क्यों है? दिस इज सो बिकॉज अंडर दिस सिस्टम, क्या बताया था मैंने, अंडर दिस सिस्टम ओनली कैश अकाउंट, ओनली कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। इस सिस्टम में केवल कैश बुक और पर्सनल रिकॉर्ड्स रखे जाती हैं, आर मेंटेन्ड। इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या हो गया? इनडायरेक्टली इट मींस, इनडायरेक्टली इट मींस नो ट्रैक ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट्स। इस कैप तो इस सिस्टम में हम नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट्स का कोई ट्रैक नहीं रखते हैं इनडायरेक्टली, इसका मतलब ये है। इज केप्ट, यहां तक अब आपकी बात भी समझ में आ जानी चाहिए। सिंस अंडर दिस सिस्टम सिंस अंडर दिस सिस्टम फुल फ्लेज अकाउंट्स, फुल फ्लेज अकाउंट्स आर नॉट केप्ट, आर नॉट केप्ट कॉमा, इट इज ससेप्टेबल टू टू इट इज ससेप्टेबल टू फ्रॉड्स एंड मिस अप्रोप्रिएशन, फ्रॉड्स एंड मिस अप्रोप्रिएशन। तो इसमें हेरा फेरी भी हो सकती है और कुछ फ्रॉड्स भी हो सकती है, मिस अप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये फुल फ्लेड सिस्टम नहीं है। मैंने ये भी बताया कि ये सिस्टम कौन लोग अडॉप्ट करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम SES, सिंगल एंट्री सिस्टम इज जनरली अडॉप्टेड बाय ट्रेडर्स, ट्रेडर्स हैविंग स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशंस, हैविंग स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशंस। जिनके स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशंस होती है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम इज जनरली अडॉप्टेड बाय ट्रेडर हैविंग स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशन। जिनका स्केल ऑफ प्रोडक्शन बहुत छोटे लेवल का होता है या जो हाई लेवल की सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर सकते, जनरली वो ऑर्गेनाइजेशन सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब
अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम देयर आर टू अप्रोचेस। अब यहां दो अप्रोच हैं प्रॉफिट्स को कंप्यूट करने के, देयर आर टू अप्रोचेस टू कंप्यूट प्रॉफिट, टू कंप्यूट प्रॉफिट्स। तो अपने बिजनेस के प्रॉफिट या रिजल्ट को हासिल करने के लिए सिंगल ट्रेडर के पास दो अप्रोचेस है, जैसा कि मैंने कहा, करेक्ट। कौन कौन से अप्रोच है? अप्रोच वन, जिसको हम कहते हैं नेट वर्थ मेथड, अप्रोच वन, इसको हम कहते हैं नेट वर्थ मेथड, नेट वर्थ मेथड। अभी अभी मैंने बताया कि नेट वर्थ मेथड में सिंगल ट्रेडर को अपना प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। नेट वर्थ मेथड में सिंगल ट्रेडर को प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यहां देखें। फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। कौन कौन से स्टेप है? मैंने तुम्हें अभी बताया था कि इस तरीके से नेटवर्थ मेथड से प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास होनी चाहिए, ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए। तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स करके और उसमें से फिर हम ओपनिंग कैपिटल और फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। तो स्टेप्स ये हैं कि ए, डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। एक तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। बी, डिटर्मिनेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, डिटर्मिनेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, उसके अलावा अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इफ एनी, अगर उसने कुछ ड्रॉइंग्स करी है तो उसका अमाउंट, डी अमाउंट ऑफ फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, अगर कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो उसका अमाउंट। एक बार जब हमारे पास ये आ जाएंगी तो फिर हम नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट विल बी इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल जो भी क्लोजिंग कैपिटल होगी प्लस ड्रॉइंग्स और फिर हम लेस कर देंगे उसमें से लेस ओपनिंग कैपिटल एंड फ्रेश कैपिटल। यानी कि नेट वर्थ अप्रोच वो अप्रोच होता है जिसमें बेसिकली हम क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल के डिफरेंस को नेट प्रॉफिट मानते हैं। यानी कि नेट वर्थ मेथड में हमारे पास कोई ग्रॉस, अलग अलग कोई ग्रॉस या नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, जो प्रॉफिट होगा वही एक तरीके से नेट प्रॉफिट है, करेक्ट। अब जाहिर है कि मैंने ये बताया कि इस सिस्टम में हम इस तरीके से कंप्यूट करते हैं। एक एग्जांपल भी मैंने यहां पर आपको दिया इससे रिलेटेड, ताकि आपको समझने में आसानी हो। लिखे मिस्टर सिंगल डील्स इन फैंसी गारमेंट
फैंसी गारमेंट्स ऑन ए स्मॉल स्केल, ऑन ए स्मॉल स्केल, फुल स्टॉप। मिस्टर सिंगल हैड रुपीज 10 lakhs एज ओपनिंग कैपिटल, एज ओपनिंग कैपिटल एंड एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर, एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर, करेंट ईयर के एंड में, एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर, एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर। अब करेंट ईयर के एंड में क्या है, एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर ही हैज फॉलोइंग बैलेंसेस। करेंट ईयर के एंड में उसके ये बैलेंसेस हैं, फॉलोइंग बैलेंसेस। फॉलोइंग बैलेंसेस, अब बैलेंसेस क्या क्या हैं, रुपीज 3 lakhs, डेटर्स 5 lakhs, रुपीज 5 lakhs अगेन, स्टॉक लेट अस से 4 lakh, स्टॉक 4 lakh, क्रेडिटर्स 5 lakh, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर ट्रेडर विड्रू 1 lakh फॉर प्राइवेट यूज या फॉर पर्सनल यूज। And also introduced rupees 50,000 as additional capital, as additional capital, capital, compute his profit। सिंगल एंट्री सिस्टम में कभी भी अगर क्वेश्चन ये बोले कि कंप्यूट हिज प्रॉफिट, तो नेटवर्थ मेथड ही अप्लाई होगा। अगर क्वेश्चन बोले प्रिपेयर हिज फाइनल अकाउंट्स, तो फिर कन्वर्जन मेथड यूज होगा। ठीक है, तो हम अब ये मैंने जो क्वेश्चन लिखा है, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में मेरे पास ओपनिंग कैपिटल तो है कि उसके पास 10 लाख थे, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट स्टेप डिटरमिनेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। तो डिटरमिनेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल मुझे निकालनी है क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल मुझे दी नहीं हुई है डायरेक्टली। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट की तरह ही होती है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बस फर्क ये होता है कि बैलेंस शीट जो बनती है वो फुल फ्लेज अकाउंट से बनती है, इसलिए उसको बैलेंस शीट कहते हैं, लेकिन ये फुल फ्लेज सिस्टम से नहीं बनती है, इसलिए इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, हमारे अफेयर्स की क्या स्टेटमेंट है।
तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अब बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द एंड, ईयर के एंड में हम ये स्टेटमेंट बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल नहीं है। तो यहां मैंने अपने एसेट्स लिखे और यहां पर मैंने लायबिलिटीज लिखी। बस तुम्हें दिया हुआ है कि ईयर के एंड में उसके पास कैश 3 लाख का था। मैंने कहा बहुत ही आसान सा मेथड होता है ये, तो 3 लाख तुमने कैश यहां पर लिख दिया। उसके अलावा उसके पास डेटर्स भी हैं, डेटर्स उसके पास 5 लाख के हैं। डेटर्स के बाद प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है तो, और स्टॉक दिया हुआ है, तो प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख की है, तो 5 लाख की मैंने प्लांट एंड मशीनरी लिख दी। और स्टॉक का अमाउंट 4 लाख का है, तो स्टॉक का अमाउंट मैंने 4 लाख लिख दिया। उसके अलावा उसके पास क्रेडिटर्स भी हैं, क्रेडिटर्स का पैसा भी उसने देना है, तो क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स का अमाउंट 5 लाख है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, ईयर के एंड में उसके जो ये बैलेंसेस हैं इनका डिफरेंस ले लूंगा, मेरे पास कैपिटल आ जाए। तो 10-17 लाख इस साइड का टोटल है, उसमें से 5 लाख माइनस कर दिए तो 12 लाख रुपए इसका मतलब उसकी क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल उसके पास 12 लाख की मौजूद है। क्लोजिंग कैपिटल हमें पता है करेक्ट, ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है। ओपनिंग कैपिटल जो है वो 10 लाख रुपए की गिवन है, गिवन ₹10 लाख। क्या इस क्वेश्चन में उसकी कोई ड्राइंग्स हैं? राइट, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसने 1 लाख रुपए जो हैं पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ करे, तो ड्राइंग्स जो है वो ₹1 लाख की हैं, उसको भी तुम लिखोगे। ड्राइंग्स को लिखने के बाद क्या उसने कुछ फ्रेश कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करी है? करी है, तो फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस उसको भी तुम लिखोगे, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या एडिशनल कैपिटल जो भी है। एडिशनल कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस करी है 50,000 रुपए की, तो 50,000 तुम लिखोगे। बस ये सारी चीजें तुम्हारे पास हैं, अब तुम नेट प्रॉफिट कंप्यूट कर सकते हो। तो उसका नेट प्रॉफिट क्या होगा, इसको कंप्यूट करना कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। नेट प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट के लिए अभी मैंने बताया था फॉर्मेट, हमने कुछ भी नहीं करना है। जो क्लोजिंग कैपिटल है उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो क्लोजिंग कैपिटल उसकी 12 लाख की है, 12 लाख तुमने यहां पर लिख दिए। उसमें तुमने ड्राइंग्स को ऐड कर दिया, ड्राइंग्स का अमाउंट 1 लाख का है, इसका मतलब हो गया कि अगर उसने 1 लाख रुपए पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ नहीं करे होते तो क्लोजिंग कैपिटल एक तरीके से 13 लाख रुपए की होती, इसलिए ड्राइंग्स ऐड करी जाती हैं। उसमें से माइनस करा जाएगा ओपनिंग कैपिटल, अब ओपनिंग कैपिटल उसके पास 10 लाख की है, और ओपनिंग कैपिटल प्लस फ्रेश कैपिटल या फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल, 50,000, 10 लाख की तो ओपनिंग कैपिटल है और 50,000 रुपये जो है वो एडिशनल कैपिटल लेकर के आया, तो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से 10 लाख 50,000 रुपये उसके पास कैपिटल पहले से ही थी, ये कैपिटल बढ़ के यहां तक पहुंच गई, तो इसलिए ये प्रॉफिट माना जाता है, 2.5 लाख रुपए ये प्रॉफिट हो गया, 2,50,000। लेकिन मैंने कहा कि नेटवर्थ मेथड को या नेटवर्थ मेथड के जो क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कम इंपॉर्टेंट है या बहुत इनसिग्निफिकेंट है। अब हम आ रहे हैं कन्वर्जन मेथड पे। पहले हम इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि 99% ये चैप्टर कन्वर्जन मेथड का ही है बेसिकली, तो अब हम आ रहे हैं अप्रोच टू पे, नेट प्रॉफिट डिटर्मिनेशन के लिए अप्रोच टू। और अभी अभी मैंने आपको कन्वर्जन मेथड के बारे में बताया। कन्वर्जन मेथड से अगर ट्रेडर को प्रॉफिट फाइंड करना है तो सिंगल एंट्री सिस्टम पे उसने जो अकाउंट मेंटेन करे हुए हैं उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डबल एंट्री सिस्टम पे, करेक्ट। अंडर दिस मेथड
कॉमा अकाउंट्स केप्ट अंडर kept under single entry system are converted, उनको हम convert कर देते, converted into double entry system, double entry system में convert करेंगे, double entry system into double entry system, correct? Converted into double entry system for the same double entry system में convert करने के लिए for the same following accounts prepared. तो हमें ये अकाउंट्स जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था प्रिपेयर करने पड़ेंगे. कौन कौन से? एक तो मैंने कहा था कैश अकाउंट, कभी कभी हमें बैंक अकाउंट भी अलग से बनाना पड़ता है. वैसे कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट इकट्ठे भी बनाया जाता है, क्योंकि जब कैश बुक बोलते हैं तो उसमें एक कॉलम कैश का एक बैंक का होता है. बी सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट. और कभी कभी हमें बिल्स पेबल और बिल्स रिसेबल, बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसेबल अकाउंट भी बनाने पड़ सकते हैं. अगर उसकी ट्रांजेक्शंस कुछ हैं बिल्स पेबल या बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड, तो ये अकाउंट भी हमें बनाने पड़ सकते हैं. जनरली इन अकाउंट को बनाने के पीछे हमारा पर्पस होता है कि मिसिंग फिगर्स हमारे पास आ जाए, करेक्ट? जैसे कि कैश अकाउंट्स, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट से जनरली जो तुम्हारे पास मिसिंग फिगर आएगी, या तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर निकलेगी कि कैश का शुरुआत में बैलेंस कितना था या क्लोजिंग बैलेंस कितना था. लेकिन रेयर सर्कमस्टेंसेस में इवन कैश अकाउंट से कभी कभी ड्रॉइंग्स की फिगर भी निकल सकती है, बैलेंसिंग फिगर, या कभी कभी एक्सपेंसेस की फिगर भी निकल सकती है. कैसे पता लगेगा वो मैं आपको आठ बताऊंगा, चिंता ना करें. सन्डी डेटर से जनरली बैलेंसिंग फिगर निकाली जाएगी, वो क्रेडिट सेल्स होगी. लेकिन कभी कभी क्रेडिट सेल्स के अलावा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स की फिगर भी इससे पता लगती है, और कभी कभी कैश फ्रॉम डेटर्स भी पता लगता है, कैश फ्रॉम डेटर्स. तो डेटर्स अकाउंट से हमें ये चीजें पता लगेंगी. और सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर से क्रेडिट परचेजेस की फिगर पता लगती है, या क्लोजिंग बैलेंस पता लगेगा, और क्लोजिंग बैलेंस, या फिर हमें पता लगेगा कैश पेड टू क्रेडिटर्स. बिल्स रिसेबल और बिल्स पेबल की बुक जब आगे क्वेश्चन में हम आएंगे तो तब मैं डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा इनका यूज कैसे करा जा सकता है. तो एक बार जब अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएंगे, once the accounts are converted into double entry system, यानी कि वो complete हमने कर दिया है double entry system, comma final accounts can be easily ड्रॉन. फाइनल अकाउंट्स, फिर हम फाइनल अकाउंट्स आसानी से बना सकते हैं. फाइनल अकाउंट्स कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड. फिर हम आसानी से फाइनल अकाउंट्स जो है बना सकते हैं.
करेक्ट। तो इस तरीके से हमें इस सिस्टम को एडॉप्ट करना पड़ता है। तो कन्वर्सन मेथड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, अब जब नेक्स्ट सेशन में आऊंगा, नेक्स्ट सेशन में अब हम कन्वर्सन मेथड्स के क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करेंगे। तकरीबन हमने इसमें 30-40 क्वेश्चंस रखे हैं, तो मैं मालूम ही है कि हम डिटेल में करते हैं, तो नेक्स्ट सेशन में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है।